बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वन क्लास वी आर रीडिंग इंग्लिश बुक पेज नंबर 85। इफ़ आई वर एन एप्पल, ये पोइम है, इसको हम पढ़ेंगे। इफ़ आई वर एन एप्पल, इसमें ये बच्चा सोच रहा है कि अगर मैं एक एप्पल होता एंड ग्रो अप अ ट्री, और अगर ये बच्चा एक एप्पल होता तो फिर क्या होता, ये दरख्त के ऊपर ही ग्रो करता ना, दरख्त के ऊपर बड़ा होता। आई थिंक आई वुड फॉल डाउन ऑन अ गुड बॉय लाइक मी, और फिर ये सोच रहा है कि फिर क्या होता, उसके बाद ये गिर जाता एप्पल, अगर ये एप्पल होता तो यकीनन ये गिर जाता किसके ऊपर, किसी ऐसे ही प्यारे से बच्चे पर। आई वुड स्टे देयर गिविंग नो बॉडी जॉय, और लेकिन अगर ये बच्चा, मतलब कि एप्पल अगर ये होता और ये ट्री के ऊपर ही स्टे करता, वहीं पर रहता, तो कोई भी इसको ना खा पाता और कोई भी खुश ना होता। आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माय बॉय, और फिर क्या होता, कभी ना कभी मुझे ज़रूर इस दरख्त से अलग होना था, कभी ना कभी मुझे ज़रूर गिरना था, और फिर कहना था कि मेरे लड़के मुझे खा लो। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसको पोइम की तरह भी आप पढ़ सकते हैं। इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रो अप अ ट्री, आई थिंक आई वुड फॉल डाउन ऑन अ गुड बॉय लाइक मी। I would not stay there, give nobody joy. I had fell down at once and say, eat me, my boy.